हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो एज़ यू ऑल नो कि पहले से ही एक पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट की एक नोटिफिकेशन आई है। डीयू की वेबसाइट पे आप इस नोटिफिकेशन को देख सकते हो और ये अराउंड 11th अगस्त को आई थी। तो दिस वीडियो इज़ अ लिटिल बिट डिलेड, बट फिर भी अभी इसकी लास्ट डेट बहुत आगे तक है, सितंबर है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि इसकी एक वीडियो बना देती हूँ, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स कन्फ्यूज्ड होते हैं कि किस तरीके से अप्लाई करना है या क्या क्राइटेरिया होगा इस पर्टिकुलर एंट्रेंस टेस्ट को देने के लिए। तो एक चीज़ बिल्कुल अपने माइंड में रखना, ये वाला टेस्ट जो है ये इसलिए है, वो सारे स्टूडेंट्स दे सकते हैं जिनका भी नेट क्लियर नहीं है। ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है यहाँ, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या होता है, एमएससी कर लेते हैं बट उनका नेट क्लियर नहीं होता, दे आर नॉट एलिजिबल फॉर अ पीएचडी और उनकी फेलोशिप वगैरह उन्हें नहीं मिल सकती जेआरएफ वाली। तो उसके लिए ये चीज़ जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप इस एंट्रेंस टेस्ट को दे के भी पीएचडी कर सकते हो और एक पर्टिकुलर फेलोशिप का अमाउंट जो है वो ले सकते हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो डीयू की वेबसाइट पे सबसे पहला पीएचडी एडमिशन का ये एक पब्लिक नोटिस है जो विजिबल होगा। इस नोटिस को ओपन करोगे तो कुछ इस तरीके का नोटिस है जो कि आपको दिखेगा। इस नोटिस में यहाँ 9th अगस्त दे रखा है, बट इसकी कुछ कुछ मॉडिफिकेशन, मॉडिफाइड पब्लिक नोटिस बाद में भी आया था जो मैं अभी आगे आपको बताऊंगी। तो इसमें देखो आपको क्या क्या बताया है कि 9th अगस्त से लेके 8th सितंबर, तो मतलब 8th सितंबर तक रात के 9 बजे तक आप इस एप्लीकेशन को सबमिट कर सकते हो, इसका फॉर्म सबमिट कर सकते हो और इसकी फ़ीस भी आप 8th सितंबर तक भर सकते हो रात के 11:50 तक, ठीक है। तो तब तक चलेगा, UPI या जो भी क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग है उससे फ़ीस आप सबमिट कर सकते हो। देन आपको बताया कि अगर आपको कुछ करेक्शन करनी है, अपनी एप्लीकेशन फॉर्म में कुछ गलती हो गई है, तो वो 9th सितंबर से 11th सितंबर तक अवेलेबल होगा। एडमिट कार्ड कहाँ से डाउनलोड करने है ये वेबसाइट पे ही बताया जाएगा, जब एग्ज़ाम होगा उसकी डेट भी वहीं बताई जाएगी। तो प्रिपरेशन आपको अभी करनी पड़ेगी स्टार्ट, और बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बहुत बहुत ज़्यादा अच्छी। और इस एग्ज़ाम को क्लियर करके ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप DU से ही PhD कर सकते हो, आप DU, JNU, BHU, BBAU यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन ले सकते हो। तो बहुत ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इसे मिस बिल्कुल भी मत करना। ड्यूरेशन एग्ज़ाम की कितनी है, तो वही 3 घंटे, 180 मिनट का ड्यूरेशन होगा। टाइमिंग क्या होगा, जब आपको डेट पता चल जाएगी तो टाइमिंग भी बता ही देंगे। जो ये पीएचडी एंट्रेंस है जिसका मैं स्पेसिफिकली बता रही हूँ, ये साइंस स्ट्रीम का है, और साइंस स्ट्रीम जो है उसके अंदर लैंग्वेज जो है वो सिर्फ इंग्लिश ही होगी, एक्सेप्ट लैंग्वेजेस। यहाँ पे ना एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है, कुछ और स्ट्रीम्स हैं जैसे साइंस के अलावा दूसरी जो है उनका एंट्रेंस एग्ज़ाम जो है वो इंग्लिश के अलावा दूसरी लैंग्वेजेस में भी मिलेगा, बट साइंस का नहीं मिलेगा। देन आपको यहाँ पे एक लिंक गिवन है इसी नोटिस के अंदर, इस लिंक को ओपन करोगे तो ये वाली वेबसाइट ओपन होगी। इस वेबसाइट में आप देख सकते हो आपको साइन इन रजिस्टर का ऑप्शन दिया हुआ है, या एक्चुअली इसी पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट के लिए ही है, तो इस वेबसाइट पे जाके रजिस्टर कर सकते हो, या फिर अगर ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो तो साइन इन कर सकते हो और फॉर्म को फिल कर सकते हो, ठीक है। जैसे यहाँ पे आपको कुछ नोटिस वगैरह भी बताया, जो मैं बता रही थी 11 अगस्त को कुछ मॉडिफिकेशन हुई थी, पब्लिश हुआ था ये, तो वो आपको मैं अभी बताऊंगी उसके बारे में भी। पहले मैं आपको थोड़ा बहुत ओवरव्यू दे सकती हूँ कि आप रजिस्टर कैसे करोगे। तो यहाँ रजिस्टर वाले पोर्टल पे जाओगे, फिर आपको इन्फॉर्मेशन कुछ गिवन है कि आपको क्या क्या करना है, इंस्ट्रक्शन अच्छे से पढ़नी है। ऑनलाइन मोड में ही कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं, दूसरे मोड से आप एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट नहीं कर सकते हो। इसके अलावा जो भी एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना है वो इसी वेबसाइट से सबमिट होगा, दूसरी से नहीं होगा। इसके अलावा कुछ और भी इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है जो आप डाउनलोड करके देख सकते हो, और स्टेप्स भी आपको यहाँ बताए हैं कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म होगा तो वही आपको पहले रजिस्टर करना होगा, पासवर्ड वगैरह सेट करना होगा, एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना होगा। और आपको यहाँ पे एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो ये कि आपको फ़ोटोग्राफ चाहिए, अपनी सिग्नेचर चाहिए, इसके अलावा कैटेगरी का सर्टिफिकेट अगर कोई है तो, ये सब चीज़ें होनी चाहिए। एंड आपको बताया है कि फ़ोटोग्राफ कैसी होनी चाहिए,
तो कलर या ब्लैक एंड व्हाइट में चलेगी, बट 80% फेस जो है वो विजिबल होना चाहिए, व्हाइट बैकग्राउंड पीछे का होना चाहिए। स्कैनिंग जो भी आप करोगे सिग्नेचर एंड फोटो की, वो JPG JPEG फॉर्मेट में होनी चाहिए। साइज शुड बी 10 KB टू 200 KB अगर फोटोग्राफ है तो, अगर सिग्नेचर है तो 4 KB टू 30 KB का साइज हो सकता है। इसके अलावा आपको कुछ और भी चीज़ें बताई हैं कि फीस कितनी होगी, तो जनरल कैटेगरी के लिए देख सकते हो, एक टेस्ट पेपर के लिए मतलब एक ही अगर आप एग्ज़ाम देना चाहते हो एक ही सब्जेक्ट के लिए, तो 1200 होगी। अगर एडिशनल पेपर आप ऑप्ट करना चाहते हो तो 800 रुपये और लगती रहेगी जितने भी एडिशनल टेस्ट पेपर आप करोगे। OBC के लिए 1100 ये फीस है, SC ST थर्ड जेंडर्स के लिए ये फीस 1000 है, एंड PWBD कैटेगरी के लिए भी 1000 है। तो वो फीस आपको बताइए, ईमेल एड्रेस और जो भी आपका मोबाइल नंबर है वो सब आपको प्रोवाइड करना होगा, और करेक्शन के लिए बताइए ही कि आगे जाके आपको मतलब उसका नोटिफिकेशन आएगा तो उसके बेसिस पे अगर गलत हो गया कुछ तो वो सब आपको बताया है। पासवर्ड इतना लंबा होना चाहिए, ये सब चीज़ें होनी चाहिए। और फिर आप इसमें क्या करोगे, आई हैव डाउनलोडेड एंड देन क्लिक टू प्रोसीड। जब प्रोसीड करोगे तो यहाँ रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल जाएगा, इसमें आप देख सकते हो पर्सनल डिटेल्स आपको डालनी है, जैसे कि कैंडिडेट का नाम, अपना नाम डालोगे, फादर नाम, फादर्स नेम हो गया, मदर्स नेम हो गया, गार्जियंस अगर हैं तो उनका नाम डालोगे, डेट ऑफ बर्थ जो भी होगी वो डालोगे, जेंडर, नेशनैलिटी वगैरह ये सब डालोगे, एड्रेस डालोगे जो भी आपका है, एंड इसके अलावा परमानेंट एड्रेस भी आपसे पूछेंगे, पासवर्ड आपको बोलेंगे सेट करने के लिए, जो भी यहाँ सिक्योरिटी पिन दे रखी है वो आपको एंटर करनी होगी और सबमिट करना होगा। जब आप सबमिट कर दोगे तो यहाँ पे एक चीज़ है कि आप ये सब चीज़ जो आपको बताई, दिस इज़ रिगार्डिंग रजिस्ट्रेशन, आपका रजिस्टर हो जाएगा, यानी आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर प्रोवाइड कर दिया जाएगा और पासवर्ड भी। उसके बाद आपको फिल करना होगा ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, तो उसके लिए आपको साइन इन करना होगा फिर उसी ID और पासवर्ड से जो आपका बना है, और फिर फॉर्म फिल करोगे और फिर एग्जामिनेशन फीस जो होगी वो पे कर दोगे। तो ये पूरा प्रोसीजर है इसका। एक और चीज़ जो मैं नोटिस आपको बता रही थी, वो नोटिस कुछ इस तरीके का दिखता है, 11 अगस्त वाला, तो ये प्रेस रिलीज थी बेसिकली, इसी का आपको सारी इन्फॉर्मेशन गिवन है। बट आपको यहाँ बताया कि एडमिट कार्ड डाउनलोड कब कर सकते हो, तो जो भी एक्चुअल डेट होगी एग्जामिनेशन की उससे 3 दिन पहले आप वो चीज़ जो एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हो। और बाकी कुछ कुछ आपको मेंशन किया हुआ है यहाँ, जो भी कॉमन सेक्शंस है, कॉमर्स, फाइनेंस, आर्ट्स, कल्चर वगैरह, इन सब का बायलिंगुअल होगा जो भी आपका एग्ज़ाम होगा, बट साइंस सब्जेक्ट्स के लिए सिर्फ इंग्लिश ही है जो अवेलेबल है। और कुछ आपको सब्जेक्ट्स बताए हैं कि ये सब इतने 100 सब्जेक्ट्स अवेलेबल है। क्वेश्चन पेपर के 2 सेक्शंस होंगे, एक जिसमें रिसर्च मेथडोलॉजी RM बोलते हैं इसे, वो होगा, और सेकेंड जो होगा वो सब्जेक्ट स्पेसिफिक होगा, तो इस टाइप का आएगा। 100 MCQ के क्वेश्चंस होंगे, सारे क्वेश्चंस कंपलसरी होंगे आपको करना। 3 घंटे का पेपर है, ज़्यादा से ज़्यादा 3 कोर्स एक कैंडिडेट जो है वो सिलेक्ट कर सकता है, एंड नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। दिस इज़ दी बेस्ट थिंग अबाउट दिस एग्जामिनेशन, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो सारे क्वेश्चंस करना और आपका एग्ज़ाम क्लियर होने की गारंटी बहुत ज़्यादा है, मतलब बहुत इजीली एग्ज़ाम हो जाएगा क्लियर, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो चांसेस हैं कि आप ज़्यादा क्वेश्चंस कर लो और आपके मार्क्स भी सही आ जाएं। बट एक चीज़ याद रखना, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो सारे स्टूडेंट्स ही सारे क्वेश्चंस अच्छे से करेंगे, और हो सकता है कि कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई जाए, तो उस हिसाब से आपको मेंटेन रखना है, क्वेश्चन अच्छे से पढ़ के करना, ऑल दो सारे करने हैं आपने। ऑनलाइन होगा, ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है बेसिकली, वो सब आपको मेंशन किया हुआ है। तो आई होप कि आपको इस एंट्रेंस टेस्ट के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई हो। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स अ लॉट, बाय बाय।